Hello friends, welcome to Tasty Khana. Please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon. It will notify you on every new recipe. So stay updated. Hello friends, आज हम वेज चाउमीन बनाएंगे. चाउमीन छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद होती है और इन्हें घर पे बनाना भी बहुत आसान है. तो चलिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं. चाउमीन बनाने के लिए मैंने लिए हैं 3 से 4 लहसुन, जिन्हें मैंने पतला पतला चॉप कर लिया है. हमें एकदम स्ट्रीट फूड टाइप का फ्लेवर चाहिए, इसलिए यहाँ मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, उसके बाद 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 4 बड़े चम्मच टोमेटो सॉस, 3 छोटे चम्मच सोया सॉस. सब्जियों में मैंने लिया है 1 ग्रीन कैप्सिकम, जिन्हें मैंने पतला पतला स्लाइस कर लिया है, साथ ही में 1 रेड कैप्सिकम, ताकि हमारी चाउमीन कलरफुल दिखेगी, और इसे भी मैंने लंबा लंबा काट लिया है. 1 नॉर्मल साइज गाजर, इसे भी हमने पतला पतला स्लाइस कर लिया है. वन फोर्थ मीडियम साइज की पत्ता गोभी, और 1 बड़ा प्याज, जिसे हमने लंबा और बारीक काट लिया है. हमने यहाँ 1 पैकेट नूडल्स लिया है, जिन्हें मैंने पहले से बॉईल कर लिया था. हम पानी में 1 छोटा चम्मच नमक डालकर इसे 80% बॉईल करेंगे, और फिर नूडल्स को बर्तन में निकाल कर कोई भी वेजिटेबल ऑयल उसमें लगाकर उसे थोड़ा मिक्स करेंगे, ताकि ये आपस में चिपके नहीं और इस तरीके से खिली खिली रहे. यहाँ मैंने पैन में 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया है. चाउमीन बनाने के लिए जब भी हम कोई पैन लेंगे तो मेक श्योर कि वो हमेशा पतले तले वाला होना चाहिए. अगर हम मोटे तले वाला बर्तन लेंगे तो हमें वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो हम यूजुअली रोड साइड चाउमीन्स में इंजॉय करते हैं. और दूसरी बात ये कि जब भी हम चाउमीन बनाएंगे तब आप नॉनस्टिक का बर्तन लीजिए, ताकि चाउमीन बनाते समय वो नीचे की तरफ से स्टिक नहीं होगी. तो ये देखिए, मैंने इस तरीके का पतला तले वाला बर्तन लिया है, और साथ ही में मैंने ब्रॉड माउथ का ये बर्तन लिया है, ताकि चाउमीन बनाते समय हमें दिक्कत नहीं आएगी. एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये कि जब भी हम कोई चाइनीज़ डिश बनाएंगे तब गैस ऑल टाइम फुल फ्लेम पे होना चाहिए. तो गैस की फ्लेम हम फुल रखेंगे और पतले तले वाला बर्तन यूज़ करेंगे. तेल गरम होने पर सबसे पहले हम इसमें लहसुन डालेंगे और इसे थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे. प्याज डाल देंगे. प्याज डालने के बाद इसे हम ज़्यादा हिलाएंगे नहीं, और इसे इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे पूरे पैन भर में. ऐसा करने से जो हमारे प्याज हैं वो नीचे की तरफ से थोड़े ब्राउन हो जाएंगे, और सच्ची उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है. ये देखिए, अब प्याज नीचे से अच्छा ब्राउन हो चुका है और ऊपर से भी हल्का ब्राउन दिखने लगा है. अब हम इसमें बाकी की सभी सब्जियां भी ऐड कर देंगे, जैसे पत्ता गोभी, लाल शिमला मिर्च, गाजर और हरी शिमला मिर्च, और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे. मिक्स करने के बाद फिर से सभी सब्जियों को हम अच्छे से पैन में स्प्रेड कर देंगे, और इसे भी हम 2-3 मिनट इसी तरीके से पकने देंगे बिना हिलाए, ताकि ये भी नीचे से थोड़ी क्रिस्प हो जाए.
हम इसमें नमक भी डाल देते हैं। अब सब्जियां आधी पक चुकी हैं, हमें सब्जियां पूरी तरीके से नहीं पकानी है ताकि खाते समय वो थोड़ी क्रंची लगे। अब इसमें नूडल्स भी ऐड कर लेते हैं। क्योंकि अभी हम सारी चीज़ें आपस में मिक्स कर रहे हैं इसलिए हम गैस थोड़ा सिम पे कर देंगे। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, टोमेटो सॉस, और सोया सॉस डाल देंगे। सभी चीजों को आपस में मिक्स करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ दो स्पैचुलास लिए हैं और इस तरीके से हम सभी चीज़ें मिक्स करेंगे। तो ये बन गई हमारी वेज चाउमीन। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये टेस्ट में बिल्कुल वही हमारे रोड साइड मिलने वाली चाउमीन के जैसा, बट डेफिनेटली उससे कहीं ज़्यादा हेल्दी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर लिख के भेजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।